गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स. इन द साइंस पीरियड वी हैड सीन लेसन नंबर 1 अप टू पेज नंबर 3 वी हैड कंप्लीटेड. नाउ वी आर गोइंग टू सी पेज नंबर 4 एंड दिस इज आवर फोर्थ वीडियो ऑफ दिस लेसन. ओके, सारे वीडियोज आपको देखना है. और एक बात मैं बता दूं आपको, आपको मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब करना है. सब्सक्राइब करना आता है ना, सब्सक्राइब का बटन आता है उसको दबा दो. और जो इससे क्या होगा, मेरा जो भी वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा कि टीचर ने नया वीडियो डाला है करके. ठीक है, इसलिए आपको मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब करना है. सब्सक्राइब करना आता ही होगा आपको, तो सब्सक्राइब का बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब करना है. ठीक है, ओके. सो लेट अस स्टार्ट पेज नंबर 4. वाटर. Observe how much water is used and for what purposes it is used in your house for a whole day. आपको क्या करना है, एक एक्टिविटी करनी है. दिन भर में आपके घर में किस किस चीज के लिए पानी का उपयोग होता है और कितना पानी उसके लिए लगता है. कौन से काम के लिए आप पानी का यूज करते हो, आप दिन भर ऑब्जर्व करिए और फिर रिकॉर्ड करना है उसको. एक चार्ट बनाना है. यहाँ पे एक चार्ट दिया है, देखो ये इस तरह का एक चार्ट बनाओगे आप. पर्पज़ फॉर विच वाटर इज़ यूज्ड, किस चीज़ के लिए वाटर यूज़ किया गया है. आपको समझ में आएगा बाथ यानी नहाने के लिए, ब्रशिंग टीथ. सुबह सुबह देखो कितना काम पड़ता है पानी का, है ना, ब्रश करने के लिए, वॉशिंग करने के लिए, क्लोज एंड यूटेंसिल्स. यूटेंसिल्स यानी बर्तन और कपड़े धोने के लिए, मॉपिंग द फ्लोर और फर्श पोछा लगाने के लिए, ड्रिंकिंग पानी पीने के लिए होता, पानी पीने के लिए भी चाहिए होता है और कुकिंग के लिए भी चाहिए, है ना. तो टोटल यूज ऑफ वाटर कितना हुआ है वो हमें निकालना है. तो अमाउंट ऑफ वाटर अप्रोक्सीमेटली इन लीटर्स, लीटर्स में आपको लिखना है कि कितना पानी लगा होगा उसके लिए. थोड़ा अंदाज से भी आप लिख सकते हो, यहाँ पे लिखना है कितना पानी लगा है और उसका पूरा टोटल करो और कितना लीटर पानी आप यूज करते हो दिन भर में, वो यहाँ पे निकालना है. ओके, रिकॉर्ड इट इन अ चार्ट लाइक द वन शोन हियर. डिस्कस दिस डाटा इन द क्लास. डिवाइड द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर यूज इन योर हाउस बाय द नंबर ऑफ पर्सन टू फाइंड आउट हाउ मच वाटर ईच पर्सन नीड्स. ये जो टोटल आएगा ना, पानी कितना पानी आपने यूज किया है, 200 लीटर कितना, दिन भर में कितना पानी आपने यूज किया है, यानी 50 लीटर, 20 लीटर, 25 लीटर, कितना भी जो आएगा उसमें से क्या करना है आपको, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स आपके यहाँ कितने हैं, आपके घर में कितने लोग हैं, वो नंबर से उसे डिवाइड करोगे तो हमें क्या मिलेगा उसमें से, कि हर इंसान को घर में कितना पानी लगता है वो निकलेगा. You will see that it is almost impossible for us to spend even a single day without water. जिस दिन पानी नहीं आता है आपको पता है कितनी दिक्कत होती है. बिना पानी के इंसान का काम नहीं चलता है. We need to drink 3 to 4 liters of water every day so that all our bodily functions run smoothly. पीने के लिए हमें 3 से 4 लीटर पानी दिन भर में चाहिए होता है, जिससे हमारी बॉडी का फंक्शन स्मूथली चलता है. अदर लिविंग थिंग्स ऑल्सो रिक्वायर वाटर, ऑल दो द अमाउंट ऑफ वाटर दे नीड मे वेरी अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ देयर बॉडी. अदर एनिमल्स जो होते हैं, जैसे अदर लिविंग थिंग्स जो होते हैं, जैसे एनिमल्स है, प्लांट्स है, उनको भी पानी की जरूरत होती है. लेकिन पानी जैसे हमको 3 या 4 लीटर जरूरी है, वैसा उनकी बॉडी के हिसाब से उनको भी एक अमाउंट ऑफ वाटर जरूरी होता है. Thus we see that water is very important. इससे हमें पता चलता है कि पानी कितना महत्व होता है पानी का. If hydrogen gas burns in air, it combines with oxygen and water is formed. Hydrogen gas जो होता है वो हवा में burn होता है, जलता है, तो क्या होता है, वो combine होता है oxygen के साथ. Hydrogen burn होके air में mix होता है, फिर ऑक्सीजन जो है उसमें मिक्स हो जाता है और उससे क्या फॉर्म होता है, पानी फॉर्म होता है, यानी पानी बनता है. पानी कैसे बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर पानी बनता है.
वी हैव लर्नड अबाउट सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर इन द प्रीवियस स्टैंडर्ड्स. पानी की कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पहले की क्लास में सीखा है. ऑब्जर्व एंड डिस्कस. देयर इज अ डायग्राम, एक यहाँ पे फिगर दिया है. ये जो है हमने पहले भी इस तरह का डायग्राम देखा है कि पृथ्वी का जो 71% यहाँ पे देखिए हमने देखा था ना, कहाँ पे देखा, हाँ 71% जो है वाटर है और 29% जो है लैंड है. अब ये जो पूरा 71% है उसको अगर हम 100% समझेंगे तो उसमें से ये सीज और ओशन का जो पानी है ये कितना ज़्यादा है आप देखोगे. ये पर्पल कलर जो है ये पूरा समंदर का पानी दिख रहा है. ये इतना हिस्सा यानी पानी जो टोटल वाटर है हमारे पास उसमें से इतना बड़ा हिस्सा जो है वो समंदर का पानी है. उसके बाद ये जो रेड वाला दिख रहा है आपको, ग्राउंड वाटर, आइस एंड वाटर इन अदर फॉर्म्स. ये रेड वाला जो है पानी का हिस्सा, ये इतना ही पानी हमारे पास ग्राउंड वाटर है, आइस एंड वाटर इन अदर फॉर्म्स यानी बर्फीला पानी, बर्फ जो होता है कहीं कहीं हिमालय में या और किसी जगह पे जहाँ पे बर्फ गिरती है तो वो पानी, और अदर फॉर्म्स में जो पानी है वो इतना हिस्सा है. और पीने के लिए, पीने लायक जो पानी होता है वो देखो कितना सा है हमारे पास, है ना, इतना सा पानी है हमारे पास यानी टोटल वाटर में से सिर्फ इतना हिस्सा पानी जो है वो पीने लायक है. और इसीलिए हमें पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए. हमें अगर पीने का पानी ही नहीं मिलेगा तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे, इसलिए हमें पानी बचाना चाहिए. ये देखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ऑन द अर्थ, पूरी पृथ्वी पर जितना पानी है उसका डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे इस डायग्राम में दिखाया गया है. ओके, नाउ नेक्स्ट इज, इन नेचर वाटर ऑकर्स इन थ्री स्टेट्स. आपको भी पता है कौन से तीन स्टेट में होता है वाटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. वाटर डज नॉट हैव कलर, टेस्ट और ओडर. पानी को ना तो कोई कलर होता है ना उसकी कोई टेस्ट होती है. पानी आपने पानी पीकर आप देखते हो तो आपको कोई टेस्ट आता है क्या? नहीं, ना ही कोई स्मेल आती है उसमें से, अनलेस इट इज डर्टी वाटर, है ना. अगर डर्टी वाटर होगा तो उसका कलर जो है ऐसे इस तरह का दिखेगा, है ना, थोड़ा सा ब्राउनिश, और टेस्ट भी अलग आएगी उसकी और उसकी स्मेल भी आएगी गंदा पानी होगा तो. पर जो साफ पानी है उसको तो ना तो कोई कलर होता है, ना टेस्ट होती है, ना ही ओडर यानी उसको कोई स्मेल भी नहीं होती है. मेनी सब्सटेंसेस रेडीली डिजॉल्व इन वाटर. बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं, चीज़ें होती है जो पानी में डिजॉल्व हो जाती है. आपने देखा होगा आप शरबत वरबत बनाते हो कि नहीं, शरबत में आप क्या क्या डालते हो, नमक डालते हो, शक्कर डालते हो, नींबू डालते हो, तो ये सब चम्मच से हिलाने के बाद पूरा डिजॉल्व हो जाता है कि नहीं पानी में, दिखाई देता है क्या बाद में? नहीं दिखाई देता. क्यों? क्योंकि वो पानी में मिक्स हो जाता है, डिजॉल्व हो जाता है. इसे क्या बोलते हैं? डिजॉल्व होना. देयरफॉर वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट. इसीलिए पानी को क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल सॉल्वेंट, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी है जो उसमें डिजॉल्व हो जाती हैं, मिक्स हो जाती हैं, इसलिए उसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोला जाता है. ये अंडरलाइन करके रखोगे आप इम्पोर्टेंट पार्ट. देन द ब्लड ऑफ एनिमल्स एंड द सैप इन प्लांट्स कंटेन अ वेरी हाई प्रपोर्शन ऑफ वाटर. हमारे ब्लड में भी पानी होता है, एनिमल्स के या ह्यूमन बींग्स के ब्लड में क्या होता है? पानी होता है. प्लांट्स में भी पानी होता है. आप अगर किसी भी प्लांट को तोड़ोगे तो उसमें से रस निकलता है ना, वो पानी ही होता है. नो लिविंग थिंग कैन सर्वाइव विदाउट वाटर. कोई भी लिविंग थिंग, प्लांट्स हो, एनिमल्स हो या इंसान हो, वो पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकते. देयरफॉर इट इज सेड दैट वाटर इज लाइफ. इसीलिए पानी को क्या बोला जाता है? वाटर इज लाइफ, जिंदगी है हमारी. पानी क्या है? हमारी जिंदगी है. पानी के बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते.
अब देखिए यहाँ पे एक चार्ट दिया है, ये मैंने पहले ही सॉल्व कर करके रखा है ताकि आपको समझा सकूँ। वाटर अवेलेबल ऑन अर्थ, ये जो है इस डायग्राम से हमें पता चलता है क्या लिखना है, ये आपको भी लिखना है। यहाँ पे हमें परसेंटेज लिखना है और यहाँ पे पानी कौन से फॉर्म में कितना अवेलेबल है, सीज एंड ओशंस में कितना पानी है ये दिख रहा है आपको। ये पूरा कितना है, 97% है ये सीज और ओशंस का पानी। उसके बाद यहाँ पे ब्लैंक दिया है आपको, यहाँ पे क्या लिखना है, 2.7% क्या होगा यहाँ पे, ग्राउंड वाटर आइस एंड वाटर इन अदर फॉर्म्स। तो आपको ये जो है ये कहाँ लिखना है, यहाँ पे लिखना है। वाटर अवेलेबल फॉर ड्रिंकिंग, पीने लायक पानी कौन सा है, वाटर अवेलेबल अवेलेबल फॉर ड्रिंकिंग, ये कितना हिस्सा है ये। अब अगर हम, हमारे पास ये लिखा हुआ तो नहीं है कितना हिस्सा है, लेकिन हम इसके जरिए निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे, 97.0 और ये 2.7, इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 7, 7+2 9 और ये 9, यानी 99.7 ये पूरा पानी हो गया। लेकिन जो पानी अवेलेबल है पीने लायक वो कितना है, 100% में से ये अगर हम माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 0.3%, 0.3%। तो हमारे पास पानी कितना है, 0.3%, पूरा कंप्लीट 1% भी नहीं है देखो, यानी इतना कम पानी हमारे पास पीने के लिए है। तो इसीलिए हमें पानी बचाना चाहिए। वी कैनॉट यूज ऑल द वाटर ऑन अर्थ बिकॉज सी वाटर इज सॉल्टी। आप बोलोगे इतना सारा तो पानी है, ये तो दिख रहा है बाबा इतना सारा पानी ओशंस में है, समंदर तो इतने बड़े बड़े होते हैं उसमें तो बहुत सारा पानी होता है। लेकिन क्या आप समंदर में गए हो कभी, कैसा होता है समंदर का पानी, कैसा होता है, सॉल्टी, पूरा खारा खारा पानी होता है, मुंह में भी नहीं ले सकते आप, इतना खारा पानी होता है, बहुत सारे सारा सॉल्ट होता है उसमें। सम वाटर इन द फ्रोजन स्टेट, और कुछ जो है बर्फ के फॉर्म में हमारे पास पानी है। समंदर का पानी सॉल्टी है इसलिए नहीं पी सकते, और कुछ जगह पे बर्फ जमा हुआ होता है तो वो भी नहीं पी सकते। अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर इज अवेलेबल फॉर ड्रिंकिंग, पीने के लिए बहुत ही कम पानी हमारे पास अवेलेबल है। येट इट इज इनफ फॉर ऑल लिविंग थिंग्स, फिर भी वो इनफ है, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, उसे बचाना पड़ेगा, उसे वेस्ट नहीं जाने देना है। अब हम इसमें देखेंगे आगे। देखिए एक पिक्चर दिया है यहाँ पर, किसकी पिक्चर है ये देखो तो, थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, ये क्या है, मील्स है ना, और घर है यहाँ पर, ये डैम दिख रहा है, डैम का पानी बह रहा है ना, नदी में कपड़े धोने वाली औरतें हैं, यहाँ पे रेत वगैरह निकाली जाती है, ट्रक में कुछ भरा जा रहा है, तो ये सब है। अभी देखते हैं इसमें क्या है। डू अदर थिंग्स, अदर लिविंग थिंग्स यूज वाटर लाइक वी डू, हमारे साथ साथ अदर लिविंग थिंग्स भी पानी का उपयोग करते हैं। वी यूज वाटर इन लार्ज क्वांटिटीज, वी हैव लर्न दैट वाटर ऑन द अर्थ इज रेगुलेटेड थ्रू द वाटर साइकिल। आपको पता है कि हम पानी जो यूज करते हैं उसको रिसाइकल किया जाता है, वापस से उसको रेगुलेट किया जाता है और फिर बाद में उसको वापस से यूज में लाया जाता है। द वाटर वेपर फॉर्म्ड फ्रॉम ओशंस इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर इन द वाटर साइकिल। वाटर साइकिल का मेन हिस्सा जो है, वाटर साइकिल आपको पता होगा ना, पिछले साल आपने पढ़ा होगा कि वाटर साइकिल कैसे होता है, जो क्लाउड्स होते हैं, क्लाउड्स से पानी फिर नीचे गिरता है, फिर वो समंदर में नदी में बहता है, फिर उसका इवेपोरेशन होके वापस उससे क्लाउड्स बनते हैं, और वापस से क्लाउड्स के जरिए फिर बारिश के जरिए नीचे पानी आता है, दिस इज वाटर साइकिल। तो इसका मेन सोर्स क्या है, समंदर का पानी, समंदर का पानी इवेपोरेट होता है, इवेपोरेट यानी क्या होता है, बाफ होती है उसकी, पानी की बाफ होती है गर्मी के कारण, धूप के कारण, और वो हवा में उड़ जाता है, उसके वाटर वेपर्स जो है वो ऊपर चले जाते हैं और उसके फिर क्लाउड्स बनते हैं, और फिर से वो क्लाउड्स जो है बारिश के रूप में हमारे पास पानी लौटाते हैं। इट गेट्स कन्वर्टेड इंटू रेन क्रिएटिंग फ्रेश वाटर सोर्सेस ऑन अर्थ। पर वो जो पानी रहता है जब समंदर से वो इवेपोरेट होके जाता है तब वो पानी खारा नहीं रहता है, क्योंकि समंदर में
जो उसमें का सॉल्ट है वो नीचे ही रह जाता है, सिर्फ पानी पानी की बाफ होती है ना। सॉल्ट की बाफ होती है क्या? नहीं। वी गेट वाटर फ्रॉम नेचुरल सोर्सेस सच एज स्ट्रीम्स, रिवर्स, पॉन्ड्स, स्प्रिंग्स एंड लेक्स। हमें पानी और कहाँ कहाँ से मिलता है? स्ट्रीम्स से, झरने, रिवर, पॉन्ड, तालाब वगैरह होते हैं, स्प्रिंग्स होते हैं, झरने होते हैं और तालाब, लेक्स। मैन ऑल्सो डिग्स वेल्स एंड बोर वेल्स टू लिफ्ट ग्राउंड वाटर। जमीन के अंदर भी पानी होता है तो उसको हम बाहर कैसे निकालते हैं? बोरवेल लगाकर या कुआ खोदकर, है ना। अपार्ट फ्रॉम दिस मैन हैज ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड बंट्स एंड डैम्स ऑफ वेरियस साइजेस ऑन रिवर्स। रिवर के ऊपर ऐसे बंट्स या डैम्स जिसे बोलते हैं, पानी रोका जाता है नदी का और इस तरह से भी पानी का उपयोग किया जाता है। ड्यू टू द अनकंट्रोल यूज ऑफ वाटर फॉर एन इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, इंडस्ट्री एंड फार्मिंग। अब देखिए, ये जो हमारी पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन यानी लोकसंख्या, जनसंख्या तो बहुत ज़्यादा है इंडिया की। आपने देखा होगा चाइना, इंडिया, ये देशों में लोकसंख्या बहुत ज़्यादा है और इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज होती हैं और खेत में भी पानी का उपयोग होता है। इट इज़ नाउ इन शॉर्ट सप्लाई। और ये सब करने के लिए अभी पानी का शॉर्टेज है, उसके कारण, ये सब के कारण क्या होता है, पानी कम पड़ता है। वाटर स्कैसिटी हैज़ बिकम अ सीरियस प्रॉब्लम। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारे यहाँ, पानी की कमी। इसीलिए हमें पानी बचाना चाहिए। ऑलवेज रिमेम्बर, यूज वाटर स्पेयरिंगली, यानी कम से कम पानी का उपयोग करें, जितना ज़रूरी है उतना ही, यानी वेस्ट नहीं जाने देना है। ब्लॉक वाटर, लेट इट परकोलेट। पानी को अड़ा के रखना, जैसे बारिश का पानी होता है तो उसको भी हम कलेक्ट कर सकते हैं। स्टोर वाटर वेयर एवर पॉसिबल, जब भी आपको पॉसिबल है पानी स्टोर करके रखना। रीयूज वाटर वेयर एवर पॉसिबल, पानी का रीयूज भी आप कर सकते हो। जैसे किसी किसी के घर में फिल्टर होता है, फिल्टर का पानी बहुत बहता है, तो हमें क्या करना चाहिए? बकेट लगाकर वो जो बहने वाला पानी है उसको कलेक्ट करना चाहिए और उसे बर्तन मांजने के लिए, कपड़े धोने के लिए हमें उसे यूज़ करना चाहिए। पोछा लगाने के भी काम में आ सकता है। हम तो करते हैं, मैं तो ये करती हूँ, पानी मैं बचाती हूँ। फिल्टर का पानी तो हम लोग यूज़ करते ही हैं। जो वेस्ट जाने वाला पानी होता है, पाइप से निकल जाता है, वो बिना फालतू वेस्ट होता है, तो उसे कलेक्ट करो और उसे यूज़ करो। रिमेम्बर, स्टोर्ड वाटर डज नॉट बिकम स्टेल एट वंस। तो जो पानी है हम क्या करते हैं, बासा हो गया पानी करके फेंक देते हैं। एक दिन भरा हुआ पानी दूसरे दिन अगर हम पीते नहीं हैं, मटके का पानी, बर्तनों में भरा हुआ पानी हम क्या करते हैं, फेंक देते हैं और फिर से नया पानी भरते हैं। लेकिन ये भी करना गलत बात है। एक दिन में पानी बासा, स्टेल यानी क्या, बासा नहीं होता है, खराब नहीं होता है। आप 2 दिन आराम से पानी पी सकते हो। और अगर वो पानी आपको नहीं पीना है तो आप कम से कम बर्तन मांजने के लिए, कपड़े धोने के लिए या और किसी काम के लिए वो पानी का उपयोग कर सकते हो। इस तरह से आप पानी बचा सकते हो। यहाँ तक हमने ये फोर्थ पार्ट कंप्लीट किया है। यहाँ से आगे का जो है वी विल सी दैट इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, टिल देन बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।